तीसरी प्रखंड के पलमरुआ पंचायत के स्कूल के प्रांगण में सैकड़ों कार्डधारी नवंबर और दिसंबर माह का राशन नहीं मिलने पर डीलर के खिलाफ दूसरे दिन भाकपा माले राजकुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने हंगामा किया। रामकुमार यादव ने कहा, पांच डीलर पलमरुआ के सुबोध लाल, टेंगिया महिला समिति, सुखदेव राम, अकल बेसरा सहित पांच डीलर जो नवंबर और दिसंबर माह का केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन मिलता है, वह राशन दिसंबर महीना समाप्त होने के बावजूद अभी तक कार्डधारियों को राशन नहीं दिया गया। कार्डधारकों ने सूचना दिया कि पलमरुआ का पांच डीलर केंद्र सरकार का मुफ्त राशन का उठाव कर बगैर लाभुकों के अंगूठे के पर्ची निकाल लिए हैं। यह सुनकर माले के पूर्व विधायक रामकुमार यादव एमओ पर भड़क उठे। कहे, सभी डीलर राशन आज का बांटे और जांच उपरांत पांचों डीलर का लाइसेंस रद्द करे। इसके बाद सैकड़ों कार्डधारी से डीलर हाथ जोड़कर माफी मांगे। आगे से ऐसी गलती नहीं होगा, हम लोग सही समय पर राशन वितरण करेंगे। इससे साफ प्रतीत होता है डीलर अपनी गलतियां स्वीकार किया है। अब देखना है कि एमओ आगे डीलर के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं भाजपा के सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा, जहां पर पूरा देश कोरोना महामारी बीमारी से गरीब एवं असहाय लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, लोग भूखमरी के कगार पर हैं, वहीं डीलरों की मनमानी चल रही है। यह पहला मामला पलमरुआ का नहीं है, ये पूरे तीसरी प्रखंड का है जो आए दिन हमेशा सुनने को मिलते रहता है। इसमें कहीं ना कहीं एमओ और उच्च अधिकारियों का मिली भगत से होता है, जो कार्डधारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम सरकार एवं जिला उपायुक्त से मांग करते हैं, ऐसे पदाधिकारी को हटाया जाए, तब भ्रष्टाचार और घुसखोरी काम बंद होगा और गरीब लोग परेशानी से बचेंगे। इधर एमओ पवन सिन्हा ने कहा, मेरे संज्ञान में नहीं था, अब आ गया है। जांच के बाद जो डीलर दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बीडीओ संतोष प्रजापति, सीओ असीम बाड़ा, एमओ पवन सिन्हा मौजूद थे, सहित सैकड़ों लोग भी मौजूद थे। ग्राम पंचायत पलमरुआ में हजारों राशन कार्ड धारियों के साथ दिसंबर महीना का अनाज जो है सो डीलरों के द्वारा बेचा गया, इसलिए पब्लिक के द्वारा स्वयं जन सुनवाई करके प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और एमओ को बुला करके डीलरों ने दिसंबर माह का अनाज को बेचा, इसको खुद स्वीकार किया और उन्होंने कहा माफ़ी मांगते हुए कि हम दिसंबर माह का अनाज जो एक फ्री अनाज और एक रुपये से मिलता है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, वो दिसंबर माह का अनाज जो है सो दो बार वितरण करेगा। और अभी किरासन तेल का भी शिकायत आई, बहुत से गरीबों का राशन कार्ड में नाम रहते हुए भी लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है, कुछ मृतक लोगों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से तीसरी में कहिए कि एक लूट और भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। हम पहले भी बोलते थे कि बाबूलाल मरांडी जब जब भी चुनाव जीतते हैं यहाँ पर अनाज का काला बाजारी बढ़ता है, यहाँ के पदाधिकारियों का मनोबल ऊंचा होता है और गरीबों के साथ में शोषण और अत्याचार होता है और कोई भी आदमी जो है सो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, जिसका ये परिणाम है। साथियों, मैं भी 5 साल यहाँ का आपका विधायक रहा, लेकिन इस तरह से खुलेआम लूटने का हिम्मत किसी को नहीं होता था। लेकिन हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि गरीबों के पूरे तीसरी प्रखंड में इस तरह का धांधली चल रहा है, हम लोग हर पंचायत में गरीबों के राशन कटौती के खिलाफ में इस तरह का जन सुनवाई चलाएंगे और कोरोना के संकट में इस तरह का यदि लूट होगी तो हमारी पार्टी भाकपा माले कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज देखेंगे कि जनता जिस तरह से जागरूक है कि डीलर लोग होश में आवे, और नहीं तो जनता होश का ठिकाने लगा देगी और किसी कीमत पर हम लोग कटौती